बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। मुजफ्फरगढ़ में 3 कमसन बहनों को अगवा के बाद ज़बह करके कत्ल कर दिया गया। गुलिस्तान न्यूज़ के मुताबिक थर्मल पावर कॉलोनी में 3 बहनों को ज़बह करके कत्ल कर दिया गया, जिनकी लाशें खाली क्वार्टर से बरामद हुई। तीनों बहनें गुज़श्ता शाम से लापता थी। बच्चों का वालिद सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता है। मक्तूलीन में 7 साल फातिमा, 8 साल जोहरा और 8 साल अरीशा शामिल है। पुलिस ने कत्ल के शुबे में 2 भाइयों और वालदा को गिरफ्तार कर लिया। वाकया मुबीना तौर पर घरेलू रंजिश का शख्साना मालूम होता है। रिपोर्ट में बताया गया कि फातिमा और जहरा शाम को खेलने के लिए बाहर गई थी, लेकिन घर वापस नहीं आई। कुछ देर बाद उनकी बहन अरीशा अपनी बहनों की तलाश में निकली, लेकिन वो भी वापस नहीं आई। पुलिस और अहले खाना इब्तदाई तौर पर तीनों बहनों का सराह लगाने में नाकाम रहे। बाद लाशें इनके घर से मुलहका खाली क्वार्टर से मिली, जिसके बाद पुलिस फॉरेंसिक टीमें और रेस्क्यू 1122 के एहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गए। दरअसना IG पंजाब उस्मान अनवर ने वाकया का नोटिस लेकर RPO DG खान से रिपोर्ट तलब कर ली और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसायल बरवे कार लाने का हुक्म दिया है। IG ने कहा कि CCTV कैमरों और शवाहद की मदद से मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए।